आज तो बहुत ज्यादा थक गया मैं। शिम्पाई, आज शाम को मेरे साथ बाहर चलोगे? शुक्रिया दोस्त, पर आज नहीं, क्योंकि आज रात को तो हम एक बहुत ही स्पेशल डिश खाने वाले हैं दोस्त। हाँ, स्पेशल डिश? बिल्कुल सही सुना तुमने, मित्सी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। अच्छी बात है। सही कहा तुमने, ऐसी ठंड में रात को आग जलाकर बैठो और बढ़िया से नूडल्स खाओ तो बताओ जिंदगी का मजा नहीं आ जाएगा क्या? मैं दे देती हूँ, ये लीजिए, मैं डाल देती हूँ, पी लीजिए ना। थोड़ा सा जूस भी साथ में हो तो क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता मिर्ची कभी ऐसा कुछ करेगी। देखो ये हो सकता है या नहीं मुझे मत बताओ, पर कम से कम मैं ये सोच तो सकता ही हूँ। ओके बाय। मैं घर आ गया। फिर से खाना तैयार है क्या? अरे आप आ गए? थोड़ा रुकिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अब बनाओगी तुम खाना? मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं अभी बना देती हूँ, तब तक आप कुछ स्नैक्स खा लीजिए। जब भी मुझे कुछ खाने का मन होता है उसी दिन ऐसा होता है। काश इस वक्त गर्मा गर्म नूडल्स मिल जाते तो क्या बात होती। अरे क्या हो गया? मैं नूडल्स खरीदना तो भूल ही गई। क्या? कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, कल का खाना भी बचा हुआ है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मित्सी, आज तो हम गर्मा गर्म नूडल्स खाने वाले थे ना, आज मुझे वही खाने हैं बस। लेकिन बताया तो कि मैं नूडल्स खरीदना ही भूल गई, और अगर हमने कल रात का खाना खत्म नहीं किया तो खराब हो जाएगा। पर तुम मेरे बारे में भी तो सोचो, आज मैं नूडल्स ही खाना चाहता था बस। नूडल्स नहीं है हैरी, समझे या नहीं आप? आप लड़ क्यों रहे हैं? शिनचान, क्या तुम भी नूडल्स नहीं खाना चाहते बेटा? अपनी मॉम से कहो कि गर्मा गर्म नूडल्स बनाए। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मॉम, मुझे नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं कल बना दूंगी, नूडल्स नहीं है आज। मॉम ने कहा वो कल बनाएंगी। शुक्रिया बेटा, तुमसे ये बात करना तो बिल्कुल बेकार ही था। अरे चलो ना मित्सी, बहुत हो गया, प्लीज बना दो मेरे लिए नूडल्स। ठीक है, मैं बना देती हूँ, आप जल्दी से जाकर नूडल्स खरीद कर ले आइए ना हैरी। ठीक है ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। मैं ऐसे ही आ गया, ठंड तो बहुत है, आज गाड़ी ले आनी चाहिए थी। अगर मुझे जुकाम हुआ तो आपकी गलती होगी डैड। क्या मैंने तुमसे अपने साथ आने के लिए कहा था शिनचान? पर आपको अकेले आने में परेशानी होती, नूडल्स तो बहुत ही भारी होते हैं ना। मेरे ख्याल से तुम उससे कहीं ज्यादा भारी हो। अरे दुकान तो पीछे निकल गई डैड। पता है मुझे, हम दूसरी शॉप में जा रहे हैं। कौन सी दूसरी शॉप में? पास में एक नई शॉप खुली है जहाँ बहुत बढ़िया नूडल्स मिलते हैं। अरे अगर खाने ही है तो टेस्टी नूडल्स खाए जाए ना, ऐसे वैसे क्यों खाए। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। Ahí está la tienda que te decía, Shirosuke. Muchas gracias. Qué buena pinta tiene esa tienda, ¿no? Esa no, la de ahí. Tofu artesanal. ¡Que nos cierran! ¡Deprisa, Shirosuke! Oye, guapa, ¿te gusta la sandía con pepitas? ¿Y qué me dices del mejor? हमारे पास बातों के लिए टाइम नहीं है, जल्दी चलो। देखो तुम्हारी गलती की वजह से हम नूडल्स भी नहीं खरीद पाए आज। मुझे माफ कर दीजिए ना डैड, ये मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं की है। अब हमें नूडल्स कहाँ मिलेंगे डैड? देखते हैं, अगर वो शॉप खुली हुई तो वहीं से ले लेंगे। डैड डैड चोकोबी। नहीं, और ये रहे नूडल्स, मिल गए। शुक्र है एक आखिरी बचा हुआ है यहाँ पर। अरे प्लीज लीजिए ना आप ये। नहीं नहीं आप ले लीजिए। नहीं नहीं आप ले लीजिए, मुझे जरूरत नहीं थी। अरे शिनचान आप ही ले लीजिए ना। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमें आज ही ये नूडल्स खाने हैं, ठीक कहा ना डैड? आप ले लीजिए खुशी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरों के लिए अच्छा करके बहुत अच्छा लगता है डैड। सही कहा बेटा, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे रोना आ रहा है आज। डैड क्या अब हम घर जा रहे हैं? अरे आजकल नूडल्स हर जगह मिलते हैं, कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं शिनचान, वहाँ मिल जाएंगे हमें। ऐसा है क्या डैड?
चलो कन्वीनियंस स्टोर की ओर। कितनी दूर से हम आए और सारे नूडल्स बिक चुके थे, किस्मत ही खराब। यहाँ भी नूडल्स नहीं मिले, क्या कहें आज के दिन के लिए। Pues yo tengo pito. Shin-chan, तुम कभी तो काम की बात कर लिया करो। हा? अरे स्नोफॉल शुरू हो गई। स्नोफॉल स्नोफॉल। डैड डैड मुझे ठंड लग रही है, अपनी जैकेट दीजिए ना। अरे जैकेट पहन तो रखी है शिनचैन। लेकिन डैड ये तो बच्चों की जैकेट है। अजीब सी बात कर रहे हो, बच्चे बच्चों के कपड़े ही तो पहनेंगे। पर बच्चों के कपड़ों में ठंड नहीं रुक रही है डैड, अपनी जैकेट दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ये लो। अगर मैं बीमार पड़ गया डैड तो सब आपकी गलती होगी। बेटा तुम्हें कहना चाहिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर नहीं पहुँचे तो मैं सर्दी में जम जाऊंगा। अब क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया मेरे साथ? क्या हुआ क्या हुआ? टायर पंचर हो गया है, लगता है आज का दिन मेरे लिए वाकई अच्छा नहीं है। घर से निकलने से पहले आप पेपर में अपना भविष्य देखते तो अच्छा रहता डैड। अब यही करना बाकी था। ये लोग कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। हम घर आ गए। ओह आ गए, क्या तुम लोग? देखिए मॉम मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। ये क्या है री? शिनचैन आखिर तुमने डैड की जैकेट क्यों ली, बोलो। आपने क्यों दी? क्योंकि तुमने मुझसे मांगी थी ये जैकेट। हाँ याद आया, मैंने ही आपसे मांगी थी। देखा शिनचैन, तुम्हारी वजह से डैड की तबीयत कितनी खराब हो गई है। अरे नहीं मैं ठीक हूँ मिस्सी, बस ये नूडल्स खरीदने के लिए आज जरा दूर तक जाना पड़ गया मुझे। बहुत टेस्टी लग रहे हैं, अब बस जल्दी से ये खाएंगे, मजा आ जाएगा जिंदगी का वाकई। ये लीजिए डैड, थोड़ा जूस पी लीजिए। जरूर। अरे वाह, इसे कहते हैं सर्दियों की रात में घर में बैठना और मजे से खाना पीना। बस थोड़ी सी देर और फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा।